से नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम है, इससे निकलना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें क्यों हो, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? कि आप अपने माइंडसेट को कैसे स्ट्रक्चर करते हो, आप कैसे अपने आप को सेल्फ एम्पावर करते हो, इनेबल करते हो कि यू हैव टू मेक दिस हैपन। एंड यू नो उसमें आपको स्किल्स भी चाहिए, मतलब स्किल्स में आपकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, विच इज डिबेटेबल। कभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, नेगोशिएशन स्किल होने चाहिए, टीम बिल्डिंग स्किल्स होने चाहिए, टीम के साथ काम करने के स्किल्स होने चाहिए, कब प्रेशर देना है, कब प्रेशर नहीं देना है, कब साथ लेकर चलना है, कब लीडरशिप दिखानी है, कि मुश्किल तरीन हालात हो तो आप सबके सामने खड़े हुए हो एक शील्ड बन के, कि ये दिस इज व्हाट आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, राइट? सो ये सारे स्किल्स भी मैटर करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप ना हर काम इनिशिएट करें और शुरू करें, राइट? इफ यू आर वेटिंग फॉर परफेक्शन कि हाँ जी मैं ये चीजें करूंगा और फिर ये सब पार्ट होगा और फिर यू नो इट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपने अपने पूरे प्लान को हर तरफ से एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। एंड देन there's a phenomenon of a positive energy and positive force in this universe, right? If you have that particular mindset, जिसके अंदर आपने अपने आप को ये you know बावर करा लिया कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो a lot of positivity will happen। आप उसको नेचर का नाम दे सकते हैं, आप उसको मुसलमान है तो आप उसको अल्लाह की ताकत कह सकते हैं, आप कोई और मजहब है तो आप उसको यू नो भगवान की ताकत कहेंगे। लेकिन जो भी है, द पॉइंट इज कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपके साथ हो जाती है और फिर चीजें ऑटोमेटिकली शुरू भी हो जाती है, राइट? सो अ लॉट ऑफ बिग एंटरप्रेन्योर्स आल्सो से कि यार लक वाज एट आवर साइड टू, राइट? लेकिन वो लक कैसे थी, वो इसलिए थी बिकॉज दे वर डूइंग समथिंग जिसमें उन्हें लर्निंग हो रही थी, एक्सपोजर हो रहा था, उनका माइंड चल रहा था और वो कोई नई नई चीजें एक्सप्लोर कर पा रहे थे, राइट? अच्छा, जैसे ये एक मैंने तस्वीर पेस्ट की आप लोगों के लिए, क्योंकि मतलब हमारा जितना भी एनआईसीज की जर्नी है या एक एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम की जर्नी है, स्टार्टअप्स जो हैं वो आइडिया लेकर आते हैं और वो यू नो एग्जीक्यूट करते हैं और उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं हम लोग, राइट? लेकिन फिर एंटरप्रेन्योर वो है जो आइडिया लेकर आएंगे और वो एक मंथ बाद भी आइडिया के ऊपर ही बैठे हुए होंगे, ठीक है? और फराद विल कंकर के ऐसे कितने स्टार्टअप्स थे एनआईसी पिशावर में या दूसरे एनआईसीज वगैरह, जो आइडिया लेकर आए वो बात ही करते रह गए, बातें बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन वो बातों को ट्रांसलेट नहीं कर सके। फाउंडर भी देखने में बहुत अच्छे थे, उनका माइंडसेट भी बहुत अच्छा लग रहा था, उनका स्किल भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन शायद उनकी प्लानिंग नहीं थी, शायद वो वाला एक सर्टन किस्म का जो उनके अंदर विगर होता है वो नहीं था, एंड दे कुडंट सर्वाइव और दे जस्ट नेविगेटेड। किसी ने फिर जॉब कर ली, किसी ने कोई और बिजनेस शुरू कर दिया। सो यू रियली वॉन्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू रियली नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली कि हमने वॉन्टरप्रेन्योर नहीं बनना, हमने एंटरप्रेन्योर बनना है एंड वी आर इन दिस फॉर आवर लाइफ नाउ, राइट? ट्रस्ट मी, जब आप अपने बिजनेसेस करते हैं ना, उसके बाद आप कोई जॉब नहीं कर सकते, राइट? आप कभी भी एक लिमिटेड पैकेज के ऊपर जिसके अंदर ग्रोथ ना हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना हो, आप उसके साथ नहीं रह सकते, ठीक है? और यू नो सो इसलिए ये सिर्फ चंद बातें थी थोड़ा सा आपके लिए स्टेज सेट करने के लिए। और मैंने आना इस तरह था कि हमने प्लान फिर कैसे करना है बिजनेस को। बिजनेस को प्लान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो हम अपने प्रोसेसेस को इनोवेट करते हुए हम कुछ नया करने की सोचे, ठीक है? और जैसे यू नो इन बाबा जी ने कहा था कि अगर आप कोई चीज ऐसे करते रहे हो जैसे जो हमेशा वैसी होती है, तो फिर रिजल्ट भी उसका वैसे ही मिलेगा जैसे हमेशा से मिलता आ रहा है, राइट? सो यू रियली नीड टू इनोवेट एंड थिंक डिफरेंटली एंड यू नो कम अप विद समथिंग इंटरेस्टिंग। इसको कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन भी, ठीक है? कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो आपने इंश्योर करना है कि आपने जो जिसके लिए सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बना रहे हो उनको इंगेज करना है, उनके साथ बैठकर उनकी राय लेनी है, टेस्ट करना है अपने मॉडल को और फिर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना है, राइट? जिसको आप ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन भी कहते हैं, राइट? ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन फोकस करता है लोगों की राय के ऊपर। आप उसको उसके डिफरेंट तरीके हैं, ये मुझे पता है बिजनेस मॉडल प्लान का हिस्सा नहीं है, लेकिन आई रियली बिलीव इन दिस कि बिजनेस मॉडल प्लान करते हुए आपको अपने प्रोसेसेस, अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एक ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन एलिमेंट लेकर आना होगा, जिसके लिए आपको लोगों से कोलैबोरेट करना होगा, उनसे इनपुट लेनी होगी
उनकी तरह सोचना होगा, अपनी तरह नहीं सोचना होगा कि मैंने एक चीज बनाया और ये बहुत अच्छा है, ये नहीं सोचना। ठीक है, आपने ये सोचना है कि जो लोग यूज करेंगे वो कैसे इसको यूज करेंगे, या उनसे डायरेक्टली राय लेनी है। तो दिस शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर इनोवेशन एंड योर पार्ट ऑफ योर प्लानिंग एज वेल। अच्छा जी, सो जब आप, मैं ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन की बात करता हूँ तो उसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट आती है जिसमें ना पायलट्स, राइट? बिजनेस मॉडल पायलट्स इवॉल्व होता रहे, आपने जो पहले दिन बिजनेस मॉडल बनाना है वो सारी उम्र नहीं चलना, वो हो सकता है दो हफ्ते में चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन वो चेंज क्यों होना चाहिए, वो ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन के पायलट्स की बेसिस के ऊपर चेंज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, सो जस्ट अ क्वेश्चन कि ये जितनी मैंने सारी बातें की कि ये इनफ है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, नो, इसके अलावा भी बहुत सारे यू नो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इट विल गिव यू अ गुड रनवे अगर आपने अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर फोकस किया, रोजाना उसके ऊपर रिवर्ट किया, उसको रोजाना स्टडी किया। इट विल ऑल्सो गिव यू अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, बट विल ऑल्सो गिव यू इनफ विजन टू एग्जीक्यूट इन द राइट डायरेक्शन। बिजनेस मॉडल्स बहुत आते हैं, मैंने इसीलिए नेटफ्लिक्स वाला एक बिजनेस मॉडल शेयर किया था सो दैट आप लोगों को सबको पता चल जाए। बाय द वे, दुनिया में राइट नाउ किस कंपनी का स्टॉक सबसे ज्यादा बूमिंग है? एनीबडी हैज एन आंसर टू दैट? एनीबडी नोस कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टॉक किसका ऊपर जा रहा है अभी? आई थिंक Zoom ने बहुत ऊपर गया, Zoom। या सो नेटफ्लिक्स का स्टॉक बूमिंग है, it's the most fastest stock right now at this point in time, right? So is Kissa Khwan part of this, Farhad? Kissa Khwan nan kis cheez ka part, sorry, of the cohort? Nahi, wo uske paas hai, Durshil ke paas incubated hai. I'm Durshil. Okay, but Khabar is the incubated hai hamare paas, so you can talk to Khabar about it. अच्छा, ओके, खबर इज ऑन इन दिस ग्रुप राइट नाउ? जी जी जी, खबर भी है यहां पे। अच्छा, यस, वाज आई हियर। ओके, हाय, हाउ आर यू? गुड टू हियर फ्रॉम यू। अच्छा, सो हमारे पास ना बिजनेस मैप्स बहुत सारे हैं। आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे गूगल पे, यू विल फाइंड यू नो 20-30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग यू नो टूल्स, बिजनेस कैनवासेस, बिजनेस मैप्स, राइट? उसको थोड़ा सा हम लोग ना विद पैसेज ऑफ टाइम, मेरी लर्निंग के साथ, उसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर करते चले गए, राइट? और कुछ मिसिंग एलिमेंट्स से वो उसके अंदर डाले, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जो शायद शुरू में जरूरत नहीं होती वो उसके अंदर डाले, और खासतौर पर एक आइडिया स्टेज स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा ये बिजनेस मैप को रिवाइज किया, और मैं आपको फिर एक एक एंटिटी के अंदर चले जाता हूँ। लेकिन ओवरऑल जब आप अपने बिजनेस मैप के ऊपर काम करते हैं, इफ यू हैव अ पेन और अ पेंसिल, यू कैन यूज दिस स्लाइड लेटर ऑन एज वेल, बिकॉज़ आई हैव शेयर्ड दिस स्लाइड, फील फ्री टू यूज इट। इसका आपने प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालना है। सबसे पहले इसके ऊपर चार चीजें, बड़ी सिंपल सी, बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट, कॉम्पिटिशन, कस्टमर, टीम, मार्केटिंग, रेवेन्यू एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस मॉडल कैनवासेस में आपको शायद टेक्नोलॉजी की बिट नजर ना आए, लेकिन हम जब एक तरह का स्टार्टअप है, आजकल की दुनिया में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कि हम टेक्नोलॉजी के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करें, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी दिस बॉक्स ओवर देयर, राइट? सो आई विल नाउ गो थ्रू ईच एंड एवरी सेगमेंट, यू नो, लेकिन इससे पहले आई विल टेक अ स्लाइट ब्रेक एंड विल आस्क यू अबाउट कि जो बातें मैंने पहले की हैं विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन या ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन एलिमेंट या यू नो एक सर्टन माइंडसेट, उसके ऊपर किसी को कोई कमेंट देना है, यू वांट टू हैव एनी क्वेश्चन? एनीवन? इज एवरीबॉडी लिसनिंग और नोबडी नोज हाउ टू यू नो रेज देयर हैंड्स? फराद, कैन यू टेल अस हाउ टू रेज अ हैंड? दिस गाइस नोज नो हाउ टू रेज अ हैंड, ये उठा नहीं रहा शायद जान के। अच्छा, आई थिंक इज गाइस I would want कि आप लोग respond करो आगे से। अच्छा, सैफ साजिद कह रहे हैं no questions yet, we're good so far. Okay, good, सही है। Wait, अच्छा जी, so let's come to the product, right? आपकी product भी हो सकती है, आपकी service भी हो सकती है। How many products and how many services, Farhad, any idea of all these startups? So I think it's a 60-40 mix this time. हमारे पास मेजोरिटी जो है वो इस दफा सर्विसेज ही हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट्स का, लेकिन इस दफा ज्यादा बेहतर मिक्स है, 60-40 का मिक्स।
40% वाला प्रोजेक्ट राइट. सो यू नो आज आपने आई थिंक यू नो आप लोग अपना दिन पूरा जिस बिजनेस मैपिंग के ऊपर लगाओ. हाउ आई डू इट इज कि मैं एक बड़े चार्ट के ऊपर यू नो जो आपको बाजार से मिलता है, आजकल बाजार मत जाना लेकिन मे बी फाइंड अ पेपर 6-7 डिफरेंट पेपर्स, उसके ऊपर हर जो एक कॉम्पोनेंट है बिजनेस मॉडल का वो उसके ऊपर लिखो और फिर उसको फिल करना शुरू करो. उसमें अगर आपके पास स्टिकी नोट्स हैं आप स्टिकी नोट लगा लो, या अगर आपने ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर काम करना है तो आप उसके ऊपर ऑटोमेटिकली टाइप कर सकते हो राइट. सो स्टार्ट कमिंग अप विद दीस आंसर्स. बिजनेस मैपिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग योरसेल्फ सम क्वेश्चंस एंड देन कमिंग अप विद द आंसर्स अबाउट हाउ टू गो अबाउट इट. So number one is the product, which is the most important critical, you know, segment of your entire business line, right? और उसके अंदर कुछ questions आपको अपने आप से सोचने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले ये कि आपने ये product क्यों choose किया, you know, why do you want to build this product? You know, you can build different things, but why this particular product, right? अच्छा, then जब आपने इसका कोई जवाब सोच लिया उसके बाद फिर आपका आएगा कि ये जो प्रोडक्ट है क्या ये कस्टमर की नीड को पूरा करता है या नहीं करता. ठीक है, और कस्टमर और मार्केट आपने इसमें देखना है, अपने आप को सोचना है कि यार मैं ये चीज बना रहा हूँ लेकिन इस चीज से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा. और यही आपका थर्ड क्वेश्चन होगा कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जितने भी हैं जो आपके प्रोडक्ट से आप सॉल्व करना चाहते हो, क्या वो एक्चुअली में सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, या पता चला कि आपके प्रोडक्ट से एक पार्शियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है लेकिन बट देन यू नीड समथिंग एल्स टू आल्सो यू नो कॉम्प्लीमेंट दैट. ठीक है, एंड देन वन इंपॉर्टेंट सेगमेंट विल बी प्राइसिंग. सो यू हैव टू थिंक अबाउट प्राइसिंग कि उस प्रोडक्ट के लिए आप क्या प्राइस करोगे. उसके लिए आपको फिर रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने कॉम्पिटिशन को भी देखना पड़ेगा, आपने सारी डिलीवरी चेन को देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी कॉस्ट क्या है, आपकी प्रोडक्ट मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, आपने जो ऑपरेशनल एक्सपेंस लगाया हुआ है जिसके अंदर आपकी सारी टीम की कॉस्ट वगैरह है वो क्या है, आपके टैक्सेस क्या है, उसके बाद जब आप उसको डिलीवर करते हो उस डिलीवरी के प्रोसेस की कॉस्ट क्या है राइट, एंड देन वेदर यू विल बी एबल टू सस्टेन इट, बिल्ड अ मार्केट फॉर यू, प्रीमियम फॉर यू, उसके बाद कोई प्रॉफिट आप अपने लिए रख सकते हो नहीं रख सकते, यू नो. सो यू व्हेन यू हैव टू कम अप विद अ प्राइस you need to think about all these things, right? So, Muhyiddin, not to point you out, लेकिन कल जो मैंने आपकी पिच सुनी थी, उसके अंदर अभी कुछ unrealistic वो थी, you know, numbers थे. So, you really need to come up with your own, you know, you need really need to go through all these things so that you know exactly what will be your price point, ठीक है? और उसके अंदर आपने ये सारी कॉस्ट को कवर करना है. सिर्फ ये नहीं कि यार हाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट है जी, मुझे 70,000 का प्रोडक्ट मिलता है और मैं इसको ना 80,000 रुपए बेच दूंगा, 10,000 रुपए प्रॉफिट करूंगा. नो, देयर माइट बी अदर कॉस्ट, देयर माइट बी ओपेक्स व्हिच इज ऑपरेशनल कॉस्ट, देयर माइट बी अ मार्केटिंग कॉस्ट. हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कस्टमर एक्वायर करने के लिए क्या कॉस्ट होगी, और उसी तरह फिर आपको अपनी प्राइसिंग को लेकर चलना पड़ेगा. तो इट्स नॉट लाइक कि आप शुरू में कहो कि यार ये ग्लास है मैं इसको 10 रुपए का बेचना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मार्केट में 11 रुपए का है और मैं इसको 10 रुपए का बेचूंगा. नो, दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी. योर स्ट्रेटजी शुड बी कि पहले वक्त से यार ये मैं ग्लास बनाना चाहता हूँ, ये मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, ये मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लगेगी, ये पैकेजिंग की कॉस्ट लगेगी, इतनी मैं इसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग पे लगाऊंगा, इतना मैं बजट इसको रिटेलर को दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा, उसके बाद जब ये बिकेगा तो उस वक्त ये मुझे कॉस्ट कर चुका होगा 9 रुपए, इसलिए मैं इसमें 1 रुपया प्रॉफिट रखूंगा. ठीक है, सो At times, being startups, we make this mistake कि हम अपनी pricing जो है वो competition को beat करने के लिए रखते हैं. वो इसलिए नहीं रखते कि यार हमें क्या उस journey के अंदर spend करना पड़ेगा. And that is why a lot of startups go bust. That is why when they say कि 90% of the startups fail is because they don't have a good pricing model, because they were naive about it or they did not really think like a proper business, like a corporate proper business, jo apni ek ek cost, ek ek unit segment se paise nikalta hai, right? So then, you know, maine jis beech mein competition ki baat ki, phir aapke competition aa jati hai. You have to figure out and research all your main competitors, list down all your direct and indirect competitors, right? You know,
फिर जब आप अपने कंपटीशन को लिस्ट करते हो तब फिर आपने अपने टॉप कंपटीटर को ढूंढना होगा कि यार मेरा जो सबसे बेस्ट कंपटीशन है इस वक्त, जो मार्केट में बहुत अच्छा शेयर भी रखता है, वो किस तरह डिफरेंट है, वो बेचता किस तरह है, उसकी ब्रांडिंग क्या है, उसकी मैसेजिंग क्या है, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, उसकी प्राइस सेगमेंट क्या है, उसकी डीलर रिलेशनशिप क्या है, वो ये सारी चीजें यू नीड टू रियली कम अप विद योर आंसर्स के मार्केट लीडर अभी क्या कर रहा है, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अ फॉलोअर, यू वांट टू बीट द मार्केट लीडर, एंड टू बीट द मार्केट लीडर यू नीड टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ मार्केट लीडर. नाउ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मार्केट लीडर होता है उसके पास बहुत ज्यादा एज होता है, लेकिन एक एज आपके पास भी होता है, और वो एज क्या होता है? वो एज ये होता है कि यू नो द इंटायर स्ट्रेटजी ऑफ योर मार्केट लीडर जो आपका कंपेटिटर है, बट द मार्केट लीडर डज नॉट नो कि व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, बिकॉज यू आर अ स्टार्टअप, यू आर अ स्मॉल टीम, यू वर्क इन अ वेरी लीन मॉडल, यू कैन रियली एग्जीक्यूट एंड यू कैन रियली प्रेस वेयर दे माइट हर्ट, राइट? So this is the edge which we have, and never forget this edge. So always do your thorough research when it comes to your competition, and then you know make a difference, right? Acha. Then हमारा जो एक बहुत ज़्यादा you know problem आती है, उस problem के अंदर ये होता है कि हमने कोई product निकाला, वो product जो है solution market में already exist है, ठीक है? Market बहुत सैचुरेटेड है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि सैचुरेटेड मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, लेकिन सैचुरेटेड मार्केट में प्रोडक्ट चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइस के अंदर, आपको फीचर्स के अंदर, आपको इनोवेशन के अंदर, आपको पैकेजिंग मैसेजिंग के अंदर, आप किस तरह मारोगे? और व्हेन वी टॉक अबाउट इनोवेशन, तो इनोवेशन इज नॉट ओनली अबाउट यू नो मेकिंग दिस थिंग कि दिस फोन इज रियली यू नो amazing or har tarah se innovative. No, innovation is also about your messaging, innovation is also about each and everything, your packaging, your strategy, your distributor network, your retail network, everything comes into innovation, and you need to really come up with new ideas ke how to position your product, right? So jis tarah wo खैर अब तो वो खान साहब का घबराना नहीं है मजाक बन गया, इसी तरह डरना नहीं है मजाक बन गया, लेकिन दिस इज व्हेन यू आर इन अ वॉर, यू नो स्टार्टअप आल्सो बिकम्स टू कन्वर्ट इनटू अ वॉर विद अदर्स, राइट? सो देन यू रियली नीड टू कम अप विद आइडियाज कि हाँ हम इसको इस तरह करेंगे. और बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, मैं कल किसी एक स्टार्टअप के साथ बैठा हुआ था कि मार्केट में ये चीजें हैं, ठीक है, लेकिन हर जब भी आप किसी प्रोडक्ट को उठाओ ना और आप उसके ऊपर क्रेजी हो जाओ कि यार मैंने इस चीज को चेंज करना है, so you will find something exciting, something interesting and extraordinary jo aap uske andar value add kar sakte ho apne competition ko build karne ke liye, beat karne ke liye, right? Acha ji, so list all the features, right, jisme aap apne product, jaise main abhi jitni bhi baatein kar raha hu wo innovation ke upar hi hai, aap apne wo sare features likho jo aapke you know product ya solution ya service ko different banata hai compared to your other competitors, aur uske upar na build karna shuru karo as soon as possible ke hum usko kaise behtar kar sakte hain. Aa jata hai customer jisko bechna hai, sabse important wahi hai, right? Customer ne nahi kharida product to chalega nahi, koi fayda nahi hai. क्वेश्चन ये कि कस्टमर कौन है? हमारी वो मार्केट है जो मर्द हैं, जो एक्स वाई जी अमाउंट ऑफ पैसे कमाते हैं और इस एज ग्रुप के, ये आपकी मार्केट है. ये नहीं मार्केट ये पाकिस्तानी मर्द भाई मार्केट है. यू नीड टू रियली कम अप विद अ फोकस्ड आंसर कि जी हमारी मार्केट वो है कि वो लोग जो 50-60 हज़ार रुपए कमाना शुरू करते हैं और यंग होते हैं और अर्बन एरियाज में रहते हैं, ये हमारी मार्केट है, राइट? सो फर्स्ट अपने मार्केट को नीचे लेकर आओ कि यार यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट मार्केट, हाँ जी पूरी दुनिया में बेचेंगे, फाइन, लेकिन पूरी दुनिया में किसको बेचोगे? व्हाट इज योर मार्केट? सो यू रियली नीड टू हैव एन आंसर फॉर दैट. एंड देन कम्स अ पर्सोना, कस्टमर पर्सोना, कि वो कस्टमर
के पर्सोना क्या है, राइट? सो क्वेश्चन ये हो गया कि किस तरह के कस्टमर्स जो है ना, जो जो जिस स्पेसिफिक मार्केट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे वो आपके बिजनेस के लिए हैं. सो मैप योर कस्टमर्स, पहले मार्केट बनाओ, पाकिस्तान, दुबई, यू नो, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, जो भी है, यूएस वगैरह, और फिर उसके अंदर से कि उसमें कौन कौन से किस किस पर्सोना के हमारे कस्टमर होंगे, राइट? सो यू एग्जैक्टली नो कि आपने अपने प्रोडक्ट को बेचना किसको, आपने अपनी प्रोडक्ट की टारगेटिंग कैसे करनी है, राइट? और ये सारे के सारे सवालों के जवाब आप अपने बिजनेस मैप के ऊपर लिखते रहोगे और उसको इवॉल्व करोगे, कोशिश करोगे ये रोजाना की बेसिस के ऊपर चेंज होते जाए, ठीक है? अच्छा, फिर दूसरे क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. फिर आ जाती है बात चैनल की, कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्लान करते हो तो ये जो एक सिंपल सी लाइन है ना, हाउ विल यू डिलीवर योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस है. हो सकता है कि आप ऐप हो, आप यू नो एंड्रॉइड iOS बेस्ड ऐप हो, आप कोई सर्विस देते हो, आपके रिप्रेजेंटेटिव उसके घर जाते हो, आप राइड हेलिंग में हो, आप यू नो हो सकता है आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, और प्लेटफॉर्म कैसे होता है, उसकी दुकान तो नहीं होती, वो तो डिलीवरी चैनल के थ्रू बेचता है, राइट? जिसके अंदर कोई बंदा आपके घर आकर डिलीवर करता है, कैश ऑन डिलीवरी करता है. यू रियली नीड टू कम अप विद द चैनल थ्रू विच यू बी सेलिंग, और द चैनल्स, क्योंकि देयर कैन बी मोर देन वन जिससे आप सेलिंग कर रहे होगे अपने प्रोडक्ट कस्टमर के लिए, जो सर्विस आपने डिलीवर करनी है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो आपको जब आप इस बारे में सोचना शुरू करते हो तो आपको नए नए एवेन्यूज पता चलना शुरू होता है. अच्छा यार, मे बी दिस व्हाट आई कैन डू, और यू नो मे बी इस चीज को भी देख लेते हैं, इस चीज को भी देख लेते हैं. एंड ऑल्सो इसके अंदर फिर आपकी कॉस्टिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है. जब आपने सारे डिलीवरी चैनल्स को मैप करना शुरू कर देते हो ना, इवन अगर आप एक सर्विस, जैसे आप, मैंने कल पढ़ रहा था, आप लोगों का जो है डोमेस्टिक सपोर्ट का भी एक स्टार्टअप है, राइट? तो अगर आपने एक बंदे को हयातबाद भेजना है नासिरबाग रोड से एक पर्टिकुलर सर्विस देने के लिए, तो कितने पैसे लगेंगे उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, कितने पैसे उसको वापस लेकर आने के लिए लगेंगे, तब फिर वो कॉस्ट आपकी उस सर्विस की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी. व्हेन समबडी टेल्स मी कि जी मैं सर्विस दूंगा और मैं उससे 300 रुपए लूंगा, जिसमें से 200 रुपए अपने वर्कफोर्स के हो जाएंगे, या कारपेंटर के हो जाएंगे, या प्लम्बर के हो जाएंगे, और पीछे 100 रुपए बचेंगे, तो 100 रुपए में तुमने कम्यूट भी करना है, तुमने प्रॉफिट भी करना है, तुमने मार्केटिंग कॉस्ट भी है तुम्हारी उसके अंदर, तुमने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी है तुम्हारी उसके अंदर, तुम्हारा ओपेक्स भी है तुम्हारा, यू नो. सो तुम्हें फिर कस्टमर सपोर्ट भी देनी है, तुमने अगर सपोज कोई ना कोई वो मैसअप कराया तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो भी तुमने भरनी है. एंड यू आर सेइंग कि यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस इन 100 रुपीज, नॉट पॉसिबल, राइट? सो यू रियली नीड टू फाइंड द एवेन्यूज और द वेज टू डिलीवर योर सर्विस टू दैट एक्सवाइजी. अगर इसी चीज को जब आप देखो, फिर आपको ओ ओके दिस इज अ प्रॉब्लम, सो मे बी मैं डेटा एनालिटिक्स करूंगा, मैं अपने कस्टमर को मैप करूंगा, मुझे पता होगा मेरा कस्टमर टाउन में रहता है, मेरा कस्टमर हयातबाद में रहता है, मेरा कस्टमर कैंट में रहता है. मैंने वहां पर 4-4, 5-5 जगह मैं किसी बड़े डीलर से, बड़े स्टोर से वो करूंगा, उन्हें कहूंगा जी आपकी सर्विसेज दूंगा, मुझे 4-5 लोगों को वहां पर बैठने की जगह देंगे, कॉल करेंगे तो वहां से हमारा बंदा जाया करेगा, राइट? एंड देन यू रिड्यूस योर कॉस्ट, यू क्रिएट दीज हब्स एंड यू रिड्यूस योर डिलीवरी कॉस्ट. क्योंकि फिर अगर आपको पता है कि वो सिर्फ साइकिल के ऊपर पहुंच जाएगा 3 मिनट के अंदर हयातबाद में या टाउन में या कैंट में, सडनली यू आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, राइट? And you're thinking to scale, you're thinking to reduce your cost per delivery. So until unless you don't ask these questions or you don't plan for it, you might be getting into some problem, right? Okay. Phir aati hai team. Jaise maine baat ki ke NIC Peshawar ki Farhad was talking very highly. But it was all about the team, right? I was there for the direction, but the execution part was being done by these folks who are working with you right now. So the team matters a lot. And in that team, there are different segments. There are personas in the team. There are responsibilities. And most of the startups fail because of the team, right? Maybe because
of their handling each other, or maybe the team doesn't have the skill set, or maybe the CEO or the founder is unable to create and establish a great team. And in all my businesses, jab main Tai ke sath bahut sa kaam kar raha tha, NIC Peshawar ke sath kaam kar raha tha, all these things were like hobbies. Well, I really loved and liked doing these things, but at the same time my businesses were running. Why? Because I was able to structure good teams everywhere, be it Tai, be it NIC Peshawar, be it my own businesses, and I had this freedom to move around and do a lot of other things, which actually enabled me to do a lot more of the things, right? You know, so aapke liye bahut zaruri ye hai ki aap apne liye map karo ki yaar main ek innovator hu, main researcher hu, main XYZ hu, aur mujhe kya kya skills chahiye. Sorry guys, ye kuch highlight hota hai. Farhad, ye main koi chat wagera pe miss out kar raha hu? जी फैसल, साथ साथ आपको चैट पे भी लोग बात करें तो मैं आपके साथ रीड कर देता हूँ. मुहिदीन कह रहे हैं कि गिव अ ब्रीफिंग ऑन हाउ टू चूज द राइट गाइस फॉर द टीम. ओके ओके, लेट मी जस्ट रीड इट फॉर अ बिट, सॉरी. बाकी वो नहीं है यहाँ पे भी, बाकी साथ साथ यस और नो कह रहे थे, यही क्वेश्चन अभी यही आया है. Okay. So, okay. So, Mujuddin, I will just talk about it. So, number one thing is map your own current team skill set, right? Ki bhai, ye cheeze hai mere paas, aur maine ye cheeze aur build karni hai, ye capacity build karni hai. Main agar Amazon par sell kar raha hu, mujhe Amazon pe selling ke सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लोग, मुझे सोशल मीडिया के अच्छे लोग, मुझे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गुरुज, मुझे शॉपिफाई का एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है. सो विद एवरी बिजनेस देयर विल बी डिफरेंट पीपल, राइट. जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्रिटिकल जॉब डिस्क्रिप्शंस आपको करनी पड़ती हैं. अच्छा, उसमें फिर कभी कभी होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को पता ही नहीं होता. उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप ना अपने बिजनेस को दो हिस्सों में डिवाइड करो, राइट. One part of your company is your corporate governance, which will bring operational excellence in your business, right? And corporate governance is all about, you know, managing your entire governance structure. Ki yaar board mein kya hoga, CEO kya hota hai, CEO ke niche main components hote hain, uske andar finance hai, uske andar HR hai, uske andar procurement hai, uske andar budgeting ke log hain, uske andar टैक्सेशन के लोग हैं, उसके अंदर लीगल है, राइट. सो दिस एलिमेंट, दिस इज वन पार्ट ऑफ योर स्टार्टअप विच इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस विंग. इसके अंदर आपको प्रॉपर अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, फाइनेंशियल पॉलिसीज, ट्रैवल पॉलिसीज, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, यू नो, योर ईयरली बजट्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट देन द अदर साइड इज द प्रोडक्ट एंड द मार्केटिंग एंड द सेल्स, विच इज द रियल बिजनेस इन रियलिटी. एंड उसके अंदर You really need to see कि यार इसमें क्या क्या टीम मेंबर्स है. अगर आपको ना समझ आ रही हो, देखिए, आप बहुत सारे, बहुत कम ऐसे स्टार्टअप होंगे जो बहुत ही यूनिक चीज कर रहे होंगे. ज्यादातर वो होंगे जो किसी ना किसी चीज से इंस्पायर्ड होंगे, या कुछ ना कुछ दुनिया में ऑलरेडी टीम्स होंगे. गो एंड गूगल एंड रिसर्च, व्हाट डू आई ऑल नीड, गूगल विल हैव आंसर्स फॉर यू, राइट. अपनी रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी डोंट रिसर्च, आवर प्रॉब्लम इज दैट वी सेट, वी थिंक, एंड व्हाटएवर वी थिंक वी एग्जीक्यूट, राइट. We don't test the waters. So we need to start enabling ourselves ki haan hum research kar rahe hain. If you start researching and start studying case studies and all, you will figure out ki, oh wow, mujhe to bade achhe ideas mil gaye, right? Now, main sabse pehle ye karta hun, jo mere liye bada critical aur bahut important hai, wo airport test hai. Ki yaar, agar main apne kisi team member ke saath na kahin par stuck ho jaun 4-5 ghante ke liye, to main kya uski company enjoy karunga ya nahi karunga, right? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फरहाद है मेरे इसमें, अगर मैं कहीं पर स्ट्रक हो जाऊँ फरहाद के साथ, तो हम गप्पे मार मार के लोगों के मजाक उड़ा उड़ा के 5 घंटे गुजार देंगे. ऐसे ही है ना फरहाद, राइट. सो यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ केमिस्ट्री एंड रिलेशनशिप. जब आप किसी को हायर कर रहे हो, तो डू एन एयरपोर्ट टेस्ट की यार मैं इसके साथ 20-25 मिनट आधा घंटा गुजार भी सकता हूँ, अदर देन वर्क और नॉट, राइट. बिकॉज दैट विल ऑल्सो आंसर. मतलब मैं बहुत सारे लोग, हम जब टीम बिल्ड कर रहे थे फरहाद और
वगैरह, ये कहते यार ये अच्छा बंदा था, हमने ऐसे ही फारिग कर दिया, क्योंकि मुझे पता होता था कि यार मेरी और इसकी पर्सनालिटी, मतलब वी माइट नॉट बी एबल टू वर्क टुगेदर, राइट? सो दैट इज नंबर वन थिंग, वेदर यू कैन रियली वर्क टुगेदर और नॉट. देन स्किल सेट. स्किल सेट के अंदर मयूदीन, जैसे आपके लिए यू नो यू आर बिल्डिंग अ टेक प्रोडक्ट, राइट? अब सपोज फॉर एग्जांपल यू नीड टू फाइंड पीपल जो उसके कैड इंजीनियर्स बहुत अच्छे हों, ठीक है, जो उसकी मैकेनिक्स को देख रहे हों, जो उसकी बैटरी मैनेज सिस्टम को देख रहे हो, राइट, या मोटर के साथ कंट्रोलर को देख रहे हो. सो यू हैव क्लियरली कि यार मुझे ना मैकेनिक के लोग चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल के लोग चाहिए, मुझे डिजाइन के लोग चाहिए, मुझे इंडस्ट्रियल डिजाइन के लोग चाहिए, मुझे सोर्सिंग के लोग चाहिए. सो फर्स्ट यू नीड टू रियली सेगमेंट योरसेल्फ कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए. एंड देन व्हेन यू गेट ऑल दीज सीवीज एंड फाइंड ऑल दीज पीपल, गिव देम टेस्ट, राइट? क्योंकि हमारा जो स्किल सेट है टेक्नोलॉजिकली हम लोगों को टेस्ट कर सकते हैं. एंड यू विल बी अमेज्ड के आपको उन टेस्ट रिजल्ट से कभी कभार पता चलेगा कि ओह, दिस गाय माइट नॉट बी एबल टू हेल्प मी हियर, बट ही माइट और शी माइट विल बी ग्रेट हियर, राइट? सो टेस्ट करें, यू नो दैट विल गिव यू सम गुड आइडिया. अच्छा, फिर ये कि जब देयर इज अ प्लानिंग यू नो एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर स्टार्टअप जर्नी. सो अगर आप ये लोगों को हायर कर लेते हो और इनको हायर करके आपने उनकी एक सर्टन कॉस्ट करनी है, तो आपने ये देखना है कि हर हायरिंग के साथ क्या उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है. एंड देन यू विल बी एबल टू मैनेज, यार इसका पर मंथ मुझे इम्पैक्ट है, आई डोंट नीड दिस रिसोर्स राइट नाउ, आई नीड दिस रिसोर्स आफ्टर 3 months, राइट? For example, marketing resource. Right now, I'm in the product building phase. I don't even know the product. I don't, you know, usko jab hum test karenge, cheeze karenge, maybe marketing guy needs to be there in 4 months, not right now, right? Maybe legal guy, maybe you know, finance guy. Mera mashwara ye hota hai ki hamesha apna accountant sabse pehle rakh lein, theek hai, taki aapko wo हर बजटिंग के ऊपर आपको वो इनसाइट देता रहे, भाईजान ये आपने एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए हैं, आपको ये चीजें यूं कर लेनी चाहिए थी, इधर आप पैसे बचा सकते थे, इधर मैं निगोशिएट कर लेता हूँ. अकाउंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और मैं जितने भी बिजनेस शुरू करता हूँ उसमें मैं अकाउंटेंट को सबसे पहले इंगेज करता हूँ. और अगर आपकी अकाउंट और फाइनेंस टीम अच्छी नहीं है, तो फिर यू आर इन अ डीप ट्रबल, राइट? सो मेक श्योर कि यू गेट अ फाइनेंशियल गाय सबसे पहले, जो आपकी आपके साथ इन सारी कॉस्टिंग के अंदर, जर्नी के अंदर, क्योंकि देयर आर कॉस्ट एट टाइम्स इन द बिजनेस व्हिच एज अ बिजनेस ओनर यू डोंट इवन नो और यू डोंट इवन कंसीडर, एंड लेटर ऑन यू रियलाइज कि ओ शूट, कि ये सारी मेरे पास वो थी. एंड राइट नाउ यू आर इन अ ड्रीम प्लेस. व्हेन आई वाज बिल्डिंग माय बिजनेसेस, आई डिड नॉट हैव एलआईसी पेशावर, आई डिड नॉट हैव एनी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जिसके अंदर मैं जाकर फ्री स्पेस में फ्री इंटरनेट यूज कर सकता था, सब्सिडाइज कैफेटेरिया यूज कर सकता था, अमेजिंग मीटिंग रूम्स थे, यू नो आई डिड नॉट हैव दैट. मुझे तो अपना डस्टबिन भी खरीदने के लिए खुद फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी होती थी, राइट? सो यू गाइस आर ऑलरेडी लकी एंड प्रिविलेज्ड नाउ कि तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस सेंटर्स हैं, बट इन सब की भी एक कॉस्ट है, ठीक है? और वो कॉस्ट अगर आप खुद करोगे तो उस कॉस्ट को अभी से बिल्ड करना शुरू कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे पास एक साल है आई बिलीव, या 6 महीने, आई एम नॉट श्योर, फराद विल यू नो कंफर्म, बट वॉट एवर विल बी हैपनिंग आफ्टर दैट टाइम पीरियड व्हेन द बैंडविड्थ, व्हेन द रेंटल, व्हेन एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिनेस, गार्ड, सिक्योरिटी, एवरीथिंग विल बी योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन वॉट सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू डू यू नीड? सो ये अपने अंदर अभी से बिल्ड करना शुरू कर दो. मैंने बहुत सारी बातें इसमें ये कर ली जिसमें मैंने अपने कोर कॉम्पोनेंट्स की भी बात की, यू नो, और यू नो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप क्या टीम बिल्डिंग करोगे? देखो, व्हाट इज द आवर ऑफ द नीड, यू नो, नीड ऑफ द आवर्स, राइट? स्टार्टअप की जर्नी के कुछ फेजेस होते हैं, उस फेजेस के अंदर ये कि आपने अपना कुछ कॉस्ट इंटेंसिव फेज होता है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, कुछ फेज ये है कि नहीं, मैंने 2 साल अपनी प्लानिंग ये है कि मैंने इस तरह एग्जीक्यूट करना है, इतनी अट्रैक्शन करनी है, इतना कस्टमर लेकर आना है, और उसके बाद जब मेरे पास इतना कस्टमर आ जाएगा, मैं एक टेस्ट मॉडल क्लियर कर लूंगा, उस वक्त मैं एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाऊंगा और मैं इन्वेस्टर से 4 करोड़ रुपए रेस करूंगा उसको 15% 20% देके, और उसके बाद मैं उसको फर्दर स्केल करूंगा. ये जो जर्नी का प्रोसेस है ना, ये हर स्टार्टअप की जर्नी का प्रोसेस है.
इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्लान. अगर आप कहते हो कि जी मैंने ना जाके एक डैम बनाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो डोंट बिल्ड अ डैम, राइट? बिल्ड समथिंग विच यू कैन और विच हैज सम फॉलो अप स्टेप टू इट. सो डोंट जस्ट शूट इन द डार्क. बी रीजनेबल, बी सेंसिबल कि आपने क्या चीज बनानी है, किस वक्त तक लेकर जाना है, राइट? इसी तरह लिमिटेड टीम के अंदर कभी कभार ये होता है जब आप अपने पावर ऑफ आइडियाज से टीम बिल्ड करते हो, और पावर ऑफ आइडियाज ये होता है कि एट टाइम्स यू डोंट हैव एवरीथिंग, यू डोंट हैव द मनी, देन यू फाइंड फॉर रेलेवेंट पार्टनर्स, देन यू गो टू इवेंट्स, देन यू गो टू प्लेसेस लाइक NIC पेशावर, देन यू फाइंड पीपल हु कैन सपोर्ट यू, देन यू कैन डिवाइड योर टास्क एंड रिक्वेस्ट पीपल टू सपोर्ट यू. देयर आर टू पीपल, टू सॉर्ट ऑफ पीपल, जिनको आप इक्विटी से ल्योर करोगे, जिनको आप कोई शेयर होल्डिंग दोगे, जिनको आप हो सकता है कुछ पैसे देने पड़े, जिनको आप कोई बार्टर सर्विस करोगे. सो यू नो, थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स के हमने अपने साथ लोगों को किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना है. अगर आप अकेले नहीं कर सकते, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, देन फाइंड पीपल, यू विल फाइंड पीपल, बिकॉज देयर माइट बी अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, बट फॉर दैट यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू इंस्पायर, यू नीड टू इम्प्रेस देम बाय प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, बाय यू नो talking about your startup, by making them believe in yourself. But for that, you need to really believe in your own plan, and you need to talk sense as well. If you're going to talk rubbish, nobody will be with you. So if you want, if you will talk sense, people will be with you. Okay? Yeah, I will just tell you something about myself. I own 6 different companies right now. The very first company which I started, CyberVision, I was the sole proprietor, you know. That company is 100% mine. All the other businesses, I have some very solid, very good partners. And I think I'm the one who does least amount of work in each of in all these businesses, because I have amazing partners. They use my intellect or my network, but I have, you know, maybe strategy and direction, lekin उन बिजनेस के अंदर मेरा यू नो जो टाइम कंजम्पशन वो सबसे कम होती है. एंड दैट इज बिकॉज आई वाज एबल टू इंस्पायर पीपल टू वर्क विद मी एंड टू बी पार्ट ऑफ दीज बिजनेसेस. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू मार्केट योरसेल्फ, हाउ यू मार्केट योर आइडिया, यू विल अट्रैक्ट पीपल, राइट? लेट मी रीड दीज क्वेश्चंस. वेट, so it will never be a perfect scenario, I guess. Thus, being adaptive is the only way to survive. For a team to survive for long is one of the biggest challenges. The only thing permanent is change itself. What is that but environment that binds everyone together? So yeah, dekho, what that binds everyone together, that is really the positive energy. You know, jab tak wo positivity nahi hogi team ke andar, wo ek grand vision को फॉलो करने में इतने ज्यादा क्रेज नहीं होगा, एक विगर नहीं होगा, तो बात नहीं बनेगी. अगर एक फाउंडर है, वो ढीला फाउंडर है, खुद 11-12 बजे ऑफिस आता है, बाकी टीम मेंबर्स से कहते हैं यार ये करना था ना कर लेते, यू नो ग्रैंड विजन नहीं है, दुनिया को कॉन्कर नहीं करने जाते, तो पीपल विल नॉट स्टे. फ्री पीपल विल नॉट स्टे. Paid people will not stay. They will always use you as a stepping stone and will go to other avenues, right? So, वो जो passion और energy लानी है, वो उस founder ने लानी है कि लोग उसको blindly follow करें, right? दुनिया में देखो यार कैसे कैसे लोगों को लोगों ने blindly follow किया. Hitler की आधी दुनिया बुराइयां करती है, मगर Germans back then followed him, right? So, you know, there can be a lot, many other, you know, examples. Hamare usme to, khair, I don't want to talk about it, but I think it is your passion which will bind everyone together. And, you know, yourself believe in your idea that people will say, oh, wow. For example, Kareem ka dekh lo, yaar. Uber, dunia ka sabse bada competitor, sabse bada ride-hailing, ride-sharing, you know, startup tha. Kareem started way after Uber, but the founders were passionate. And there are 75 people jo jinke paas choti choti equity thi, aur 75 log jab Kareem ki acquisition hui by Uber, 75 log ke paas $1 million se zyada paise aaye, 15 crore rupees se zyada paise aaye, 75 people, right? So they all were there with a certain vision. Ab imagine everyone
जिसने करीम को ज्वाइन किया होगा और उनके पास ये इक्विटी शेयर होल्डिंग की ऑप्शन होगी और वो फिर भी किसी और जगह जॉब करने चले गए, दे डिड नॉट बिलीव इन करीम. सो करीम इज अ ग्रेट एग्जांपल. यू कैन कोट दिस एग्जांपल टू योर यू नो प्रोस्पेक्ट टीम मेंबर्स कि लिसन, दिस इज व्हाट कैन हैपन. वी कैन बी रियली बिग, वी कैन बी द प्रोबब्ली द बिगेस्ट इन दिस रीजन. Can we hire interns instead of a permanent team? It is the best solution. Are there any things we can do? Dekho, so, you know, I have seen some amazing interns. In fact, right now, there's an intern working in one of my companies. Usko humne Karachi se fly karaya hua hai. Do hafte pehle apne amma abba se milne gaya. Phir humne usko wapas bula liya. Uski flight ka kharcha bhi hum dete hain. Usko yahan pe thehraya bhi humne. So at times you will find very good, capable people. In one of our ventures, we have a very good tech guy who was in his third semester in the United States from Boston Engineering University. Usko humne semester fees karke yahan pe bulaya hai. We just pay him 25,000 rupees a month. Lekin he's much better than other engineers jo yahan par kaam kar rahe. So you might be able to find some really good people. So why not, right? एंड इंटर्न्स वगैरह ये होते हैं, उनको भी एक, क्योंकि उनके लिए भी ये नई दुनिया होती है और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, वो आपसे ज़्यादा इंगेज हो सकते हैं. सो बाय ऑल मीन्स, इफ यू वांट टू गेट वॉट एवर यू गेट फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ से भी कोई रिसोर्स मिलती है, डू इट. या ओके, देन कम्स द मार्केटिंग बिट. कुछ स्टार्टअप्स के लिए मार्केटिंग अभी ट्राई करनी चाहिए. देखो, मेरा ये बिलीव है कि यू शुड स्टार्ट सेलिंग एज सून एज पॉसिबल, यू शुड स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू एज सून एज पॉसिबल, राइट? एज सून एज पॉसिबल सबसे पहली चीज जो है ना, जहन पर ये रख लो भाई, रेवेन्यू जनरेट करना है. पैसे लेना एक आर्ट होता है, पैसे कमाना एक आर्ट होता है, क्लाइंट से पैसे निकलवाना एक आर्ट होता है, एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, राइट? अगर इफ यू नो हाउ टू सेल and to sell, how to market, that will solve you a very big problem later on. The sooner you are in the market, you are generating revenues. The sooner you generate revenues, you have a better plan. When you have a better plan, your chances of being invested in increases. I believe bahut sare startups ko scale karne ke liye investment chahiye hogi, magar wo possibility बहुत बढ़ जाती है जब आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हो. जब कस्टमर को एग्जांपल देते हो, भाई मैंने ये 15 लोगों को ये चीज इतने पैसों की बेची, इतने पैसे मेरे मुनाफा थे. अगर मुनाफा नहीं भी थे तो अगर ये मैं चीज 1500 लोगों को बेचूंगा तब ये इतना मुनाफा होगा. देन पीपल विल स्टार्ट यू नो अलाइनिंग देमसेल्व्स विद यू, सपोर्टिंग देमसेल्व्स यू अ लॉट मोर, एंड यू विल बी एबल टू स्पेंड, हायर पीपल, यू नो, डू एवरीथिंग. So revenue is very important. We will talk about it later on in the next slide and all. But for revenue, you need marketing and sales. So list all the possible sales channels. ठीक है, जिसके अंदर आपने ना जहाँ जहाँ से भी आपने, it depends varies. You know, you're selling an Android app or you're selling an iOS app. But you know, आपने social media पर उसको market करना है, आपने SEO के through उसको लेकर आना है, आपने partner sale करनी है, आपने B2B sale करनी है, आपने retailer के through जाना है, आपने delivery करनी है, जो भी whatsoever sales channel आप कौन से use करोगे, जहाँ जहाँ से आपने distributor, retailer, platform, web etc. वहाँ से जहाँ से sale हो रही है, ठीक है. Then जब आपके पास सारे के सारे sales channel आ जाए ना, और एक सेल्स चैनल जो आपको ना 40% सेल दे सकता है, एक को 30% दे सकता है, एक को 20% दे सकता है, एक को 10% दे सकता है, एक को 5% दे सकता है, क्या आप सारे यूज करोगे? नो, फोकस ऑन द वंस जो सबसे ज्यादा पॉसिबल सेल्स कर सकते हैं, सो दैट यू फोकस ऑन वन और टू थिंग्स, बट मेक श्योर कि वहां से आपकी सेलिंग सबसे अच्छी हो, ठीक है. सो सेल्स चैनल्स को लिखना, आइडेंटिफाई करना. कभी कभी होता है यार, वी आर वेस्टिंग आवर एफर्ट्स ऑन फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट सो यू नो फीजिबल और नॉट सो बेनिफिशियल. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्पेंड योर टाइम ऑन द सेल्स चैनल्स व्हिच आर मोस्ट बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस, ठीक है. एंड यू कैन ओनली डू दैट व्हेन यू लिस्ट ऑल ऑफ देम. Okay, so no, so this is not a sales channel, Muhyiddin. Dekhen, you're talking about a product.
So you need to come up, go back to the Potter slide. Do you want to sell bikes? Do you want to sell batteries? And 200K means 2 lakh rupay batteries ke liye. Dekho, batteries, go back to your business map. You want to change this? You don't want to sell bikes? You want to sell batteries? Start with the product. We are talking about marketing over here. So don't say your product is a bike, but you want to market and sell batteries. That changes the dynamics of the entire business. So you have to go back to the product page. You have to write it over there and then start it from there. Because bikes and batteries, they're separate things. Okay? They're complementary things, but your lithium-ion battery can be used in your solar installations for that matter. So, okay. So now, okay. So you mean that you can sell bikes and now you can sell battery packs. But for battery packs, dekho, tumhare business ke andar sabse zyada costly battery packs ki hai. Aur us battery pack ke cost ke andar sabse zyada costly tumhari lithium-ion cell ki hai. Yeah. So, you know, I think go back to your planning. If you want to start generating revenue by selling batteries, your business is different now. And you need to fill each and every segment of this plan accordingly. So I cannot answer your question and I will not answer your question because as a startup, you should be very focused. You should know what you want to do. Aur uske liye, you know, write everything down. And once you do it, if you want to think on the battery lights, I think battery business is a very big business. It will be a bigger business than selling bikes, to be very honest, because your battery pack will be used in a lot of other things. But you also have a few other things. Tumhare paas challenge ye bhi hai ki Volta and Saka, jo 38% market share kar rahe hain, they can always start coming up with lithium-ion based battery packs. Aur wo tumhe quantity ke andar marenge. So what sort of innovation do you have? Malab, aap uske andar kya karoge? Farhad, can you unmute Mohiuddin, please? Sure, ek second. Mohiuddin, aap apne ko unmute kar lo. Assalamu alaikum. Murtaza bhai, main ye baat kar raha tha ki electric bike ki development has always been my first priority. बट उसके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट करने में ताकि मैं प्रोडक्ट डेवलप कर सकूं, ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक बाइक का ही एक कंपोनेंट जस्ट टू हैव सम मनी इन ऑर्डर टू डेवलप दैट प्रोडक्ट ना, तो उसी पर्पस के लिए मैंने कुछ बैटरी सेल की. तो यू टॉक्ड अबाउट जनरेटिंग रेवेन्यू, तो मैं वो पूछ रहा था कि अगर मैंने टू गेट टू दैट पॉइंट कि मैं फिर उन पैसों से प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे काम कर सकूं, उसी का एक कंपोनेंट मैं सेल आउट करूं. और बाइक मैंने इसीलिए सेल नहीं की क्योंकि आई डिडंट वांट टू सेल अ प्रोडक्ट दैट इज इमैच्योर और उस तरह जो है तो कंपनी की आगे जो है तो फिर वो जो कंपनी की वैल्यू है वो डिग्रेड हो, लेस क्वालिटी अगर अभी मैं उसकी कम क्वालिटी वाली चीज जो है तो अभी सेल कर रहा हूँ. तो फॉर दैट पर्पस अगर मैंने बैटरी सेल की है टू हैव सम मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बाइक, तो वो मैं पूछ रहा था कि इज दैट अ गुड थिंग या आई हैव टू ओके. देखो, यू विल हैव टू फोकस ऑन समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, यू नो, ऑल टुगेदर. ठीक है, जिससे मतलब अगर मैं आप मतलब you know, you need really need to figure this out. Lekin, no, because it's totally a different business, Mohiuddin, and uske andar bhi aapko scale karna hai aur wo bhi bahut cost intensive hai. Theek hai, kyunki aapki battery, dekho, your battery pack ki 90% cost is lithium ion cell, 10% is the packaging cost. Theek hai, जब आप उसके अंदर पैसे इतने खर्च करो तो उसके बजाय ये कि आप छोटे versions या you know maybe conversions कर लो to you know keep your buck going. And let me tell you, obviously electric vehicle venture, since I am part of it as well, it is very investment intensive. Okay, but what you can do is you should look for partners jo aapke liye manufacturing partner ban sakte hain, jo us cheez ke andar invest kar sakte ho, right? Theek. So you maybe consider yourself as a jaise I think we are a design engineering company. Okay, where we are a research centric design and engineering,
So because we don't have the money to put a plant of $5-6 million at this point in time, so maybe change the way of thinking. Battery component is very important, but at the same time, जो तुम्हारी battery की cost होगी, even शायद import का bill देकर भी मैं China से सस्ती मंगवा दूँगा. तुमने lithium ion cell के ऊपर import duty देनी देनी है. It's just the packaging which on which you. जी. As a sub-assembly, when you're in a business, if I would be in your place, I would be selling, and to complement my skill, I would probably get into battery business and then expand it, but not the other way around. ठीक. Okay. Thank you. Thank you. अच्छा जी. Then, So. जिस तरह मैंने सेल्स की बात की, मैंने पहले डिलीवरी चैनल्स की बात की थी, इसी तरह वो यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सेल्स के साथ चैनल्स बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जब आप एक सेल करते हो किसी चीज को, आपको पता है यार मैंने इसको एक्स वाई तरीके से सेल करना है, तो उसी के साथ डिलीवरी एसोसिएट उधर ही हो जाती है, राइट? तो जैसे पहले मैंने बात की थी, आपने वो अपने जो डिलीवरी चैनल्स है उनको भी क्लियरली मैप करो, और उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा डिलीवरी चैनल मेरे लिए सबसे बेहतर है फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल्स चैनल व्हिच आई एम गोइंग टू यूज. उसके बाद अगर आप इस स्टेज के ऊपर हो कि आपने पब्लिसिटी कैंपेन अपनी यूज की है, यू नो, आप उसके लिए क्या लिखोगे, कैसे उसको प्लान कर रहे हो, उसकी मैसेजिंग क्या है, वो आपने देसी लोगों के लिए करना है, वो आपने अंग्रेजी लोगों के लिए करना है, आपके ये सारी चीजें रिलेट करेंगे आपके कस्टमर पर्सोना से. ठीक है, देन टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट इन टाइम, राइट? देखो, ऊबर की अमेजिंग एग्जाम्पल है कि ऊबर ने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद पाकिस्तान और 7 डिफरेंट मुल्कों के अंदर करीम ने उबर को टफ टाइम दिया. ठीक है, उसका अभी भी आप अगर उसका डिफरेंस देखो ना, आप अपनी ऐप खोलो करीम की और उस पर नीचे लिखा होगा जू. ठीक है, उबर की ऐप खोलो, उबर पे कुछ नहीं, उबर पे लिखा होगा गो, राइट? योर माइंड सेट, योर कनेक्टिविटी. पाकिस्तान में करीम अपने रंग की वजह से, अपने नाम की वजह से, अपनी मैसेजिंग की वजह से चली और उसने उबर को बीट किया पाकिस्तान में. करीम की सबसे बड़ी मार्केट पाकिस्तान है, और दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल जो उन्होंने अपनी पब्लिसिटी कैंपेन, अपनी मैसेजिंग, एंड उन्होंने अपने आप को इनोवेट किया. वो पिशावर गए तो उन्होंने वहां पर जू लिखा, वो इस्लामाबाद आए तो उन्होंने चलो लिखा. ठीक है, सो यू नीड टू रियली कम अप विद एवरीथिंग, जिसमें आप वेब, सोशल मीडिया, मार्केटिंग टूल्स, टेक्निक्स, जो जो आप एम्प्लॉय कर सकते हो, लिस्ट देम अप. ठीक है, फॉर मोयुद्दीन, यू नो, maybe start creating a hype, maybe create one bike, one sexy looking bike, jisko aap jo hai na bahar lekar jao aur log kahe oh wow, uske upar jo hai na aap ek apni campaigning shuru karo, or maybe, you know, create some air around it, right? And then people will start connecting with you, will start taking you seriously, will maybe ask to partner, will maybe, you know, extend support. So many things can happen, right? And if your bike is not like a bike, but it's something between a bicycle and a motorbike, then you need to think ki tumhara business, tumhara hai kaun, tumhara kya ride hailing services wale tumhare wo hai, nahi ho sakta tumhare delivery wale ho sakta tumhari b2b sales wale ho, jo ek, you know, अटक पेट्रोलियम वालों का कॉम्प्लेक्स है, वो 24 एकड़ पर फैला हुआ है, वहां पर उनके कोई 100-200 गार्ड्स हैं, वहां पर 100-200 इंटर टाउन कम्यूट है. कोहिनूर टेक्सटाइल जो है ना, वो किलोमीटर्स पर फैली हुई है, आपकी क्रेसेंट टेक्सटाइल किलोमीटर्स पर फैली हुई है. वहां पर लोग क्या यूज करते हैं? वहां नॉर्मल बाइक्स यूज करते हैं? नो, वहां पर वो ये छोटी बाइक्स यूज कर सकते हैं, राइट? सो थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स के यार तुम्हारा कस्टमर कौन है? क्या तुम्हारा कस्टमर पार्क आर्मी के छावनी वाले लोग हैं, जो गार्ड्स होते हैं, चीजें होती हैं, जो सर्विसेज दे रहे होते हैं? क्या बहरिया टाउन तुम्हारा प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो सकता है, जिनकी अपनी सर्विसेज हैं कि जी हम सफाई के लिए बंदा भेजेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी सही करने के लिए भेजेंगे, हम फलानी चीज के लिए भेजेंगे? क्या आप उनको पैकेज के उनको दे सकते हो? कम अप विद योर, यू नो, मार्केट. ठीक है, ओके, देन कम्स रेवेन्यू. सो रेवेन्यू के अंदर आपका जाता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही रेवेन्यू है. रेवेन्यू विल मेक यू सस्टेन, रेवेन्यू विल मेक यू बिगर, रेवेन्यू विल मेक यू गेट यू द पॉसिबल
experience gets you the possible team members, you know, to market yourself further, to scale yourself further, right? So revenue, ye to karna hi hai as soon as possible. Lekin kaun-kaun si possible revenue streams ho sakti hain? For example, I always give an example of a telecom, right? When telecom started, they came up with a cell phone call. You could call Murtaza from Peshawar. Okay, wow. But then they came up with SMS text message. The same network, same cell phone, same customer, another revenue source. Phir unke paas wo edge aa gaya. Unhone internet dena shuru kar diya. Phir 3G, 4G aa gaya. Fast internet dena shuru ho gaya. Value added services aa gaye, jisme aap apni ringtone kar sakte ho, aap Quran ki ayatein sun sakte ho, aap apne liye reminder laga sakte ho, aap cricket ka score dekh sakte ho, aap koi jua khel sakte ho, aap agriculture ki koi information le sakte ho, kuch bhi kar sakte ho, wo aap unhone revenue streams apne badha diye. Theek hai? और फिर वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बन गए कि इस टेलीनॉर अ बिगर टेलीकॉम प्लेयर नाउ और अ बिगर फाइनेंशियल प्लेयर नाउ. क्या इजी पैसा और जैस कैश का जो वॉल्यूम है इज दैट इक्वल टू देयर अदर रेवेन्यू स्ट्रीम? सो इमेजिन द सेम नेटवर्क, सेम कस्टमर, सेम सेल फोन, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स. सो दिस कैन रियली हेल्प यू इफ यू थिंक लाइक दिस कि मैं अपने सेम बिजनेस के अंदर सेम लोगों के साथ सेम डिलीवरी के साथ रेवेन्यू क्या क्या ले सकता हूँ. लिस्ट ऑल दीज रेवेन्यूज. फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि आपका कितना कस्टमर आपका हर साल आपसे खरीदेगा. अगर एक कस्टमर ने आपसे जिंदगी में एक दफा खरीदना है और दोबारा नहीं खरीदना है, इसका मतलब थोड़ा मसला है. इसका मतलब यू नीड टू रियली थिंक अबाउट के हाउ टू सेल मोर एंड मोर एंड मोर. क्वेश्चन, हाउ विल यू ब्रेक इवन? ठीक है, ये आपने अपनी ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी शामिल हो जाएगी, लेकिन थिंक अबाउट दिस कि यार मैं किस वक्त जो है ना अपनी सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊंगा कि हाँ यार मुझे ना अपनी जेब से पैसे नहीं डालने पड़ रहे, मुझे इन्वेस्टर का पैसा नहीं डालना पड़ रहा. कौन से ऐसे कस्टमर होंगे जो आपसे खरीदते रहेंगे आप चीज, कौन से ऐसे कस्टमर होंगे जो ऑर्डर्स बढ़ाएंगे और आप उनसे कह सकते हो यार और ऑर्डर लें, कौन से कस्टमर अपने ऑर्डर्स को डिक्रीज करेंगे, कौन से कस्टमर चर्न होंगे जो आप लूज कर जाओगे, राइट? और आपको हर मंथ कितने नए कस्टमर चाहिए टू सस्टेन आपकी सेल्स के टारगेट्स को रीच करने के लिए. ठीक है, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी क्रिटिकल क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी क्वेश्चंस टू कॉम्प्रिहेंड. ठीक है, आई अर्ज यू ऑल के प्लीज अपना जो स्टार्टअप का आपने बिजनेस मॉडल की कैनवसिंग करनी है, आपने प्लानिंग करनी है, जितने भी मैंने ये क्वेश्चन सीखे हैं इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है. ठीक है, आई होप दिस विल रियली रियली मेक यू एंड एनेबल यू टू कम अप विद अ ग्रेट प्लान फॉर योर स्टार्टअप एग्जीक्यूशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन माय ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सब्सटेंशियल आजकल के दिन के अंदर, ठीक है, let me okay Mohyuddin, you know what, in my experience your battery pack will be probably, the cost of your battery pack will be 60-70% of your vehicle. Theek hai, if they have to buy it every second year they will not buy your bike. Theek hai, you have to make sure that you come up with a technology, you at least give them 4 years at least minimum. राइट, लिथियम आयन सेल की जो बैटरी लाइफ है वो 8-10 साल कहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक मे बी कॉल इट 4 years, राइट? लेकिन अगर उसे 4 साल से पहले ही खरीदना है, हर दूसरे साल खरीदना है, तो उसको तो आपकी फ्यूल का फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसने साल में 25,000 रुपये अपने फ्यूल की कॉस्ट बचानी है और हर 2 साल के बाद उसने 50-40-50,000 रुपये की बैटरी खरीद लेनी है, तो उसने कुछ नहीं बचाया, उसने तो लूज किया है. Right, so you really need to think about it, how to go about it. Okay, so now technology. You really need to research, go on Google, see apne startup jo aapki type ke startups hain wo kaun si technologies use karte hain, wo kaise use karte hain, wo unke web ke upar kya hai, unke product ke andar kaise technology hai, wo social media ke upar kya karte hain. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके जो प्रोडक्ट है, जैसे अभी मोहिदीन ने जो सवाल पूछा हुआ है, प्रोडक्ट के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है, जैसे इनके प्रोडक्ट की भी टेक्नोलॉजी है,
क्या वो साइंटिफिकली R&D ड्रिवन इतनी एनहांस्ड है कि वो मार्केट के कस्टमर की नीड को पूरा करेगी और उसको बेनिफिट देगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है कस्टमर का, वो कहती है जी मैं आपसे आपका खर्चा कम कराऊंगी। अगर वो खर्चा कम ना हो तब फिर तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुआ, फिर तो आपने कस्टमर लूज कर दिया, राइट? अच्छा, सो हाउ डू यू मेक दैट वायबल? By using the right technology, by enabling your product through technology to reach a point where it is really premium and beyond anything else, right? खैर मुहिद्दीन, for you, lithium ion cell की पिछले 5 सालों में 50% cost कम हुई है और हर साल 5-10% वो और cost कम होती जाएगी, right? So in future, lithium ion cells will be pretty cheap, right? So that is when the electric vehicle era will really come. क्योंकि उसमें आपको बैटरी पैक की चाहिए, फिर 2 साल बाद भी चेंज करनी पड़े तो शायद इतना बड़ा मसला ना, लेकिन अभी मसला है। अच्छा, सो आपको ये देखना है, अपने बिजनेस को मैनेज करना है, उसके लिए आपको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई MIS चाहिए, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, कोई अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए, आपने स्लैक यूज करना है टीम कोलैबोरेशन के लिए, विच आई हाईली रिकमेंड कि आप स्लैक यूज करें अपने टास्क वगैरह के लिए। सो ये आप टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है, किस तरह की करनी है, कोई किसी भी मार्केटिंग टूल्स के लिए जैसे हूट स्वीट हो गया, या अपने जो जिनसे के थ्रू आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, आपने वेबसाइट चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए, सोशल मीडिया के प्रेजेंस चाहिए, आप टेक्नोलॉजिकली अपने आप को बहुत एडवांस करने की कोशिश करें। एंड ट्रस्ट मी, आपको ओपन सोर्स इतनी चीजें मिलती हैं कि सपोज अगर कोई राइट हेलिंग का business hai, they don't have to really put like now $30,000-$40,000 to build that technology. You can find solutions much more cheaper online, right? And maybe use them on you know, it is not necessary now to build your technology all the time. So please, when you do those research, find all of these points. And so it in my books, it's really time to work. You don't want to be the entrepreneur, you really want to be the entrepreneur. And to become a really good entrepreneur, you really need to have answers for all of the above questions which I have brought to your notice ke lo ya aapki awareness ke liye likhe. Agar aap in sare sawalon ka jawab constantly sochte raho, aap pehli dafa mein एक सुन, आपकी आवाज थोड़ी सी अजीब सी हो गई है। नहीं, आई थिंक यू शुड लीव द चैट एंड कम बैक, बिकॉज वो आवाज फट रही है सारी। ओके बेट, how do you exit? Wait, ab sahi ho gayi awaaz aapki? Ha ji, ab theek hai, ab sahi ho gaya. Okay, great. So I think wo last slide ki zarurat nahi hai. So what I wanted to talk about is ke it is time to work a little harder, and you really need to plan yourself. Business model ko apne canvas ke upar properly apna ko map karo, उसमें चेंजेस आएंगी, आपकी लर्निंग होगी, आप कस्टमर के पास जाओगे, आप रेवेन्यू रेस करोगे, आप जो भी चीजें करोगे कॉन्स्टेंटली आपकी लर्निंग होगी और आप अपने बिजनेस में आपको इवॉल्व करोगे, चेंज करोगे उसको, एंड दैट विल बी प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग व्हिच विल हैपन टू यू, राइट? सो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर, लेकिन ये बड़े एम्पावरिंग क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनके जवाब ढूंढना शुरू कर दोगे इंशाल्लाह यू विल डू रियली गुड, राइट? And the sooner the better it is. Aaj humare paas jaise Thursday hai, kal Friday. Try to work on this till Sunday and really make something jiske andar aapne apna beshak apne aapko kisi silo ke andar band kar do. Samjho ki quarantine mein chale gaye ho, kamre mein ho, aur 2-3 din socho apne team ko use karo, collaborate karo, Zoom meetings par unke saath rakho, discuss this, think this through again and again, question yourself, go to Google, research. Come up with great answers, and inshallah you all will do great. So yeah, so that's about it from my side.
So guys, we'll open the floor for questions. If you have any questions, to aap log poocho. You can either raise your hand. Raise hands ki option jo hai wo niche participants pe agar aap click karte to wahan pe option aa rahi hoti hai raise hand karne ki. But in case you have any questions, queries, to aap log directly mute karke bhi question pooch lo ya aap chat mein kar lo. But I would want ki aap log question karke apne jo bhi queries hai wo clear karwao. Ye global nomad, I really like you too, you know, whoever wrote this. So global nomad, I would want ke ma'am aap log apna startup ka agar aap log bata sake ki aap log kya kar rahe ho, that Murtaza has an idea. Right, can everyone hear me? Yep. Ji, please. Right, so I own a sustainable fashion brand called the Global Nomad. And basically it's a handicrafts brand where we source and make everything in KP, like carpet bags, silver jewelry, and all things like reviving, you know, the dying industries in and around KP. So. Great. And are you selling right now? We are selling. We mostly earn a lot from like expos and exhibitions. And we make like a capsule collection which gets sold out quickly, but we're thinking of expanding and we're badly in need of some seed money. I think we're beyond the very basic startup phase and where we want to sort of emphasize more on marketing and get some finance. Can you send me your product list, some pictures or some online link, Facebook, website, jo bhi aapne banayi bhi, agar bana liya bhi. Otherwise, just simply email me or WhatsApp me. I think WhatsApp would do. Right. And I will have a look at it. We're more like, I don't know if you've heard of Polly and Me. They started off by making bags and then they grew up into something, you know. So we're trying to start again. Hello, can you hear me? Up, we can hear you. I think beech mein aapki awaaz kat rahi hai. Yeah. So we're more or less like their business model, Polly and Me. We're giving back to community. We're trying to sort of, the handicrafts industry is very lucrative, but sadly, due to sort of weak strategies from the government, I don't know, wherever things have gone wrong, we haven't been able to really market the handicrafts industry that well in Pakistan. And we've got some, I spent some time in London, so we do work on projects as well, like around Christmas, seasonal sales as well. There are times when I can't meet the order because I don't have enough workers. And as I said, I'm thinking of getting some finance to sort of expand the business. Yeah. So, aapka naam kya hai? Maryam. Maryam, right? So, Maryam, I solely believe ke बिजनेसेस को ना ये नहीं सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने ये किया नहीं किया राइट गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड आर इनएफिशिएंट इट्स अ बिजनेस वुमन एंड मेन लाइक यू योरसेल्फ हु कैन रियली मेक अ ग्रेट डिफरेंस एंड इस बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम गवर्नमेंट की नहीं है प्रॉब्लम हमारी क्वालिटी डिलीवरी की है पाकिस्तान के अंदर या अगर आप गुजरात और चेन्नई का मॉडल देखें इन इंडिया यू नो दे हैव मल्टी बिलियन डॉलर हैंडीक्राफ्ट बिजनेस एंड द रीजन इज ability to deliver quality stuff always right? True and that is the real challenge for you at this point in time jisme ek organization Vasila ke naam se aapne shayad suna hoga Vasila is working with all these handicraft people and all yes. that right that maybe collaborate if you want to collaborate with them learn from them they're based out of Lahore I mentor them every month as well Caravan as well I think you've heard of them they've done pretty well as well Caravan And Polly and mujhe uski founder ka naam nahi yaad aa raha I remember I mentored her a couple of years back 3-4 years back in fact I met her in a dinner a month or two back 2 months back too right but I think this is you know there's so much space for it matlab you know I yeah. never matlab I think I'm an art collector I have a lot of different things too
बट पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स डजंट एक्साइट मी बिकॉज़ दे आर लाइक वो बचपन से एक ही डिजाइन दिखता है उसके डिजाइन के अंदर उनकी पैकेजिंग के अंदर बोली हुई हमारे पास लोग आते हैं तो व्हाई शुड वी गिव देम समथिंग यू नो व्हाई शुड वी बाय अ परफ्यूम एंड और अ कलोन और अ वॉच टू गेट व्हाई कैन वी हैव पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स बट people who are in you know especially upper middle class or upper class in Pakistan they don't have that belonging with their you know handicrafts and the reason is because the packaging is far as the quality is far so maybe right. You know think on these ways I can also connect you with a global brand Rohaniya ke naam se I don't know whether you have heard about it or not no I haven't heard of them no so aap mujhe whatsapp karna I will send sure. you their link look into sure. their product maybe you can compliment something सर आपने करीम की जब आप बात करे थे तो आपने कहा कि उनकी जो मैसेजिंग टर्म है आपने उसको देखना है तो वो टर्म मुझे समझ नहीं आती अच्छा मैसेजिंग ये कि देखो उन्होंने ना पाकिस्तान को के यूजर्स को ऊबर के मुकाबले में किस तरह ज्यादा एंगेज किया राइट सो उनकी मैसेजिंग से मुराद ये था उनकी कम्युनिकेशन विद देयर कस्टमर जैसे वो आपको जूर लिखते हैं राइट जैसे वो उन्होंने अपने एड्स के अंदर फैंसी मतलब यू नो इंटरेस्टिंग मजेदार एड्स थे जो बिलबोर्ड्स वगैरह के ऊपर करते थे यू नो जो की कैंपेनिंग थी तो मैसेजिंग जो वो डिलीवर करते थे कम्युनिकेशन टू देयर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स राइट इट वाज ऑलवेज वेरी फैंसी फन आई एम सॉरी माय सन जस्ट वोक अप राइट सो ही विल बी सो या सो मैसेजिंग इज जिस तरह वो कम्युनिकेट कर रहे थे अपने कस्टमर के साथ वालेकुम सर जी भाई साहब हाँ सर हम लोग की कंपनी है जमास्को लेट टेक प्राइवेट लिमिटेड जो डिजिटल ड्रिवन डेटा प्रोडक्ट बना रही है इन स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशन हाँ करंटली हम लोग की जो एप्लीकेशन अवेलेबल है मोबाइल एप्लीकेशन जमा ऐप के नाम से ओके और आप लोग करते क्या हो हम लोग जो कनेक्टिविटी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं एकेडेमिक्स के हाँ जिसमें से हम लोग कनेक्टिविटी करा रहे हैं पेरेंट टीचर स्टूडेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी बैंक कस्टमर्स है करंटली जो मतलब जो पेंडेमिक की वजह से हम लोग ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है जमा क्लासरूम के नाम से तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है मतलब वर्चुअल क्लासरूम में ऑलरेडी हमारे पास क्लाइंट थे सिलेबस था कुरिकुलम था हमारे पास तो उसको खाली हम लोग ने ऑनलाइन करना था तो हम लोग ने इस पे स्टार्ट लिया हुआ है लेकिन अब मैं ये चीज पूछ रहा हूँ कि हम लोग किस तरह मतलब जो टारगेट कस्टमर है जो उनको अभी चाहिए हम लोग जो डिफरेंट अवेलेबल प्लेटफॉर्म है थ्रू ईमेल्स फेसबुक लिंक्डइन व्हाट्सएप जितने अवेलेबल मीडियम थे हम लोग उनको कॉन्टेक्ट कर चुके हैं लेकिन सॉर्ट ऑफ वो रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि मतलब हर किसी का स्कूल बंद है और वो चाह रहे हैं कि मतलब उनके क्लासेस स्टार्ट हो लेकिन एग्जैक्टली वो रिजल्ट हमें अचीव अभी तक नहीं हो रहा तो कल मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मतलब हम लोग की स्ट्रेटजी चेंज करें या ओके सो देखो इसमें ना देखो जब आपको रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा ना इसका मतलब आपकी मैसेजिंग में कोई मसला है कस्टमर की तो नीड है 100% ठीक है मतलब मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उन्होंने भी कुछ शुरू कर दिया ऑनलाइन मेरे दोस्तों के बच्चे भी ऑनलाइन अब शुरू हो गए वो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो ऐसे बात नहीं है कस्टमर नहीं है या मार्केट में नीड नहीं है प्रिंसिपल्स स्कूल ओनर्स क्रेजी होते जा रहे हैं उसका रीजन ये है कि हो सकता है पेरेंट्स उनको कहें कि भाई तुम्हारा स्कूल तो बंद है हम तुम्हें फी नहीं देते इस मंथ की ठीक है ये सबसे बड़ा मसला है तो अभी तो ये कि मे बी इनिशियल थोड़ा सा आप उसको कॉन्टेक्ट बेस चलो फरहाद कनेक्ट देम विद सबूर साहब ठीक है बॉस सबूर सिटी से आप मिले जो सिटी स्कूल्स वाले एक आपका पायलट अच्छा होना चाहिए उनको इन्फ्लुएंस भी हम कर सकते हैं स्कूल नहीं इट्स पेशावर मॉडल सॉरी पेशावर मॉडल स्कूल राइट तो उनके साथ आप मिलें उनको आप ट्राई करें दूसरी बात ये कि एक कस्टमर तो इस ग्रुप में बैठा हुआ है फरहाद की फैमिली ओन्स डिफरेंट स्कूल्स इन पेशावर राइट सो आप एक दो उनको कन्विंस करें और फिर देखेंगे कैसा जाता है मॉडल कैसा होता है जब आप दूसरों को बताएंगे भाई ये स्कूल यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक उसकी वैल्यू मिल जाती है
और मैसेजिंग जो जैसे बात की आपने उनको रीच आउट कैसे किया, लिंक्डइन पर आपने अगर उनको गलत अंग्रेजी भेजी, अगर आपने उनको एक्साइटिंग चीज नहीं भेजी, अगर आपका इंटरफेस अच्छा नहीं होता, तब फिर इसका मतलब है आप नहीं चलेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ एक खातून है जो मतलब मुझसे लिंक भी लीजिएगा, फैसलाबाद में स्कूल है, उन्होंने मुझसे पूछा यार कौन सा सॉफ्टवेयर है, मैंने उनको एडवर्क्स एक कंपनी है लाहौर NIC की, NIC लाहौर की, मैंने उनको डॉक्टर फराज जो है जी बिल्कुल जानता हूं, तो उसकी क्या मैसेजिंग है और क्या चीजें, ओके बस राइट, सो वो सारी आप चीजें जरूर यूज करो। ठीक है सर, ऑलरेडी जो हम लोग ने स्टार्ट लिया हुआ था, हम लोग ने स्टार्ट वीडियोस लिया क्योंकि ज्यादातर लोग मतलब टेक्स्ट नहीं पढ़ते लेकिन वीडियो देखते हर कोई, तो स्टार्ट हम जी सर, यू नो डोंट थिंक, थिंक ग्लोबल। अब जो हमने नाम रखा है वो तो अगर मैं समाज में हूँ तो मुझे पता है कि ये पश्तो नाम है, ठीक है जी सर, हाउ डू यू मेक पाकिस्तान में पश्तो नाम बहुत ज्यादा, जैसे जू है बड़ा, मैं भी अक्सर लोग कहता हूँ जी चलो के जाए जू कहते हैं, ठीक है, लेकिन जी सर यू नीड टू कम अप विद अ गुड नेम व्हिच विल अट्रैक्ट एवरीवन। सर जो हम लोग ने मतलब हम लोग का जो मतलब जो हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं जमा के नाम से, जो जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि जमा स्कूल, तो हम लोग उसको यू मतलब इस तरह कर रहे हैं कि मतलब जो कस्टमर है उनको अपना समझ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को खुद अपने अपने प्रॉब्लम समझ रहे हैं और उसकी सोल्यूशन। व्हाट डज जमा मीन, मतलब माइन जो हम लोग कहते हैं मी मेरा, आई डोंट नो, अगर मैं इसको अगर आप मुझे कहते हैं मेरे स्टार्टअप का नाम माय स्कूल है तो मैं कहता ओ वाओ राइट, आपने मुझे कहा समा, आई कैन टेल दिस इज अ पश्तो वर्ड बट देयर आर पीपल हु डोंट रिलेट टू पश्तो इन पाकिस्तान। तो स्टार्ट में हम लोग इस तरह ही कर रहे हैं जिस तरह हम जमा क्लासरूम में, तो मतलब क्लासरूम का जो हम लोग पोर्शन है वो डिजिटल, मतलब हम लोग ने ग्लोबल कर दिया है और जमा हम लोग ने स्पेसिफिक कर दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, यूनिकनेस के बारे में, जिस तरह गूगल क्लासरूम में अब फॉर एग्जांपल हम लोग कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं जमा क्लासरूम की और गूगल क्लासरूम की, तो इस तरह मतलब लोग का आइडिया इस तरह होगा। तो ठीक है, आप आई विश यू द वेरी बेस्ट, आप मतलब दिस इज योर टाइम, यू नो दिस इज योर टाइम, सिर्फ पाकिस्तान मार्केट ही दुनिया मार्केट है, गो क्रेजी अबाउट योर पॉसिबल टेस्ट्स, गो क्रेजी अबाउट यू नो, और इसके ऊपर वॉर फुटिंग के ऊपर काम करो, दिन में 15-15, 20-20 कंपनी साथ लिखो, लिंक्डइन पे जाओ, उनका प्रीमियम पैकेज लो और रोजाना लिखो, लेकिन आपकी मैसेजिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग होनी चाहिए। मे बी फरहाद करेक्ट देम विद you know summer and you know ask summer to help them and you know inki communication wagera sari cheeze sahi kare kyunki need of the hour hai and you can really do great business in next few months and probably next few years. Yes exactly, kyunki hum log matlab jitni bhi team hai matlab har koi matlab usme development mein bhi laga hua hai, designing mein bhi laga hua hai, marketing mein bhi laga hua hai, matlab 3-7-8 bande hai to matlab 24 hours hum log lage rehte hai, मतलब 4 बंदे काम करते हैं, 4 बंदे फिर उसके बाद जाके लग जाते हैं काम में, तो ये टाइम हम लोग ने इस तरह मतलब कंज्यूम करना है कि जितना भी ज्यादा हम लोग मतलब प्रोडक्ट को मतलब एटलीस्ट हम लोग उन कस्टमर को पहुंचाने को आइडिया हो। आई विल सेंड मी योर प्रोडक्ट डिटेल्स एज़ वेल, आई विल रेफर यू टू फ्यू स्कूल्स। ओके थैंक यू, लास्ट क्वेश्चन इफ एनीवन हैज अ लास्ट क्वेश्चन, हम उसके बाद फिर इसको रैप अप कर देंगे। So I think जी अफ्ताब बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सोल्यूशन स्टार्टअप से हूँ, हमारा जो आपने इसमें एक बात की थी कस्टमर की, तो हमारा इस टाइम एक जो जितना भी कस्टमर है हम 12 वोल्ट की DC पावर सोलर मोटर सप्लाई करते हैं सेविंग मशीन के लिए, तो हमारा जो कस्टमर आता है वो सिर्फ वन टाइम होता है, क्योंकि अगर हम इसके साथ 1 ईयर की वारंटी देते हैं तो हमें पता है तकरीबन 2-3 साल में ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, तो आपने जैसे एरिया करिंग की बात की तो हम इसमें कस्टमर को कैसे लाएं? अंसाब आप एक बार फिर से रिपीट करो इसको क्योंकि आपकी आवाज कट गई थी। आप स्विंग मशीन के लिए मोटर बनाते हैं जो 3 साल लोग यूज कर सकते हैं, तो कस्टमर को वापस कैसे लाएं, ये आपका क्वेश्चन है? जी सर। अच्छा देखो, फिर कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि मतलब फिर आपको अपने मार्केट प्लान के ऊपर होना चाहिए ना कि मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है, और वही प्रोडक्ट आप क्या किसी और चीज में भी यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सोचो। ठीक है,
ठीक है, कि वो जो मोटर है वो और किस किस चीज के लिए यूज हो सकती है, सही है। अच्छा, सो अफशा वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन नाउ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा स्टार्टअप है, इट्स अबाउट ऑनलाइन टेलरिंग सर्विस। इसके बारे में ऑनलाइन टेलरिंग सर्विस, हम वैसे तो देख रहे होते हैं कॉमनली के टेलरिंग हो रही है आम जो खवातीन और मर्द हज़रात के लिए हो रही होती है, लेकिन उसमें एक बड़ा सेगमेंट हमारा होता है वो इंक्लूड नहीं होता, वो होता है पीपल विद डिसेबिलिटीज और जो बेड रिडन हमारे पास होते हैं या पेशेंट्स जो हमारे पास होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनके अटेंडेंट के लिए इशू होता है कि उनकी क्लोथिंग किस तरह चेंज करें। वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आई हैव बीन इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, मैं खुद भी विद डिसेबिलिटी हूँ, आई एम यूजिंग अ व्हीलचेयर, सो आई नो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ होती हैं। तो इस हवाले से हम लोगों ने इसको मोबाइल ऐप के थ्रू हमने एक सर्विस प्रोवाइड की है। हम इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ विद डिसेबिलिटी लोगों को नहीं लेके आ रहे हैं, इसमें हमने इसको इंक्लूसिव बनाया है सबके लिए। इसमें जेंडर और उस पर भी कोई हमने कोई वो नहीं किया हुआ है कि या मेल है या फीमेल है, सबके लिए है। तो अभी इसमें ये है कि मोबाइल ऐप में जो हमने इंट्रोड्यूस किया है अभी फाइनल टचिंग ही है, लेकिन उसमें एक इशू ये आ रहा है कि हर बार मैं उसमें चीज़ें देख रही हूँ चेंज कर रही हूँ, हर बार चीज़ें देख रही हूँ चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं लोगों को वो चीज़ शेयर कर रही हूँ जो भी डिसेबिलिटी है ये सबसे मैं राय ले रही हूँ। तो ऐप जो है वो काफ़ी हद तक जो मैंने सोची थी उसके तकरीबन मैं 100% चेंज हो गई है उसमें जो सर्विसेज हैं हमारी। अब उसमें हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये है कि हमें डायरेक्ट अभी ऐप लॉन्च कर लेने चाहिए, बाद में हम उसमें और चेंजेस लेके आए, अपनी सर्विसेज हम बहाल करें। सेकेंडली आपसे ये पूछना था कि जिस तरह हमारा पिक एंड डिलीवरी सिस्टम है जिसमें हम लोगों ने अपना रेवेन्यू रखा है, तो रेवेन्यू में हमने लाइक किस तरह किया है कि हमने राइडर को सैलरी बेस्ड बेसिक सैलरी हमने रखी है लाइक 6,000, फिर उसके बाद बाइक है एंड उसके फ्यूल है, जब उसके सब मैनेज करके हमने बनाया है कि जो डिलीवरी चार्जेस हम 200 कॉस्ट करेंगे अपने कस्टमर से, और उसके अलावा हमें जो टोटल मार्जिन हमें जो प्रॉफिट हमें मिल रहा था ये सब चीज़ें निकाल के, क्योंकि हम कमीशन बेस्ड इनिशियली कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में टेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे करवा रहे हैं ये काम, तो उसमें ये है कि अब हमारे पास कोई 300 हमारे रेवेन्यू हमारे पास रह जो हमारे पास होगा सेविंग्स में आ जाएगा। तो अभी सर इसमें ये चीज़ें हैं कि क्या हमें ये स्टार्ट कर लेना चाहिए या फिर हमें दोबारा से रिवाइज कर लेना चाहिए अपना रेवेन्यू मॉडल, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हमने इसमें सोचा नहीं था कि हम लोग पैकिंग मटेरियल हमारा क्या होना है, क्योंकि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकिंग मटेरियल रखना चाहते हैं जिसमें हमारे पास क्राफ्टिंग पेपर है, हम उससे बैग्स बनाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं लाइक न्यूज़पेपर्स हैं, हम चाह रहे हैं कि इससे विद डिसेबिलिटी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले कि हम उनको प्रोवाइड करें उससे वो बैग्स बनाएं। तो सर बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, सो आपसे एक सजेशन चाहिए कि अभी हमें इसको स्टार्ट कर लेना चाहिए या फर्दर हम उसमें चेंजेस लेके आते जाएं। और एक क्वेश्चन मोर, सॉरी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, द नेम इज मेरा दर्जी, इसमें अब हम ये सोच रहे हैं कि जब हम ग्लोबली एक चीज़ लेके जा रहे हैं तो मैं उसमें की लोकल नेम यूज़ कर रही हूँ, तो क्या हम ग्लोबली जो अपना लाइक हमारा जो ऐप होगा डेफिनेटली वो कंट्री टू कंट्री तो चेंज करेगा, लाइक जिस तरह आप करीम का आप बता रहे हैं कि अब पेशावर में वो जू का कैप्चर कह रहे हैं, इस्लामाबाद में चलो का कह रहे हैं, सो कैन यू चेंज द थिंग लाइक हम वहाँ जाएं वहाँ पे हम उसको लाइक यहाँ पे मेरा दर्जी है वहाँ हम उसको माई टेलर रख देना, बाकी इसका जो मोटिव है लाइक जिसको हमने टैग लाइन दिया दैट इज स्टिच योर स्ट्रेस अवे, जो हम उसको ग्लोबली यूज कर सकते हैं। So wait, let me. Okay, so I didn't write all of your questions. लेकिन हाँ, so number one चीज़ ये कि I have an app जिसमें मैं लोगों से
प्रॉब्ली डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ. आई हैव अ प्रोडक्ट जो उनकी क्लोदिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं वो बेच रही हूँ. देन आई हैव अ डिलीवरी सिस्टम जिसके अंदर मैं डिलीवरी में भी पैसे ले रही हूँ. उसके अलावा भी आपने कोई एक चीज कही वो एंड में, जो जो वो पैकेजिंग वाला मटेरियल जाएगा तो वो आप अपने डिसेबल लोग को इनेबल करोगे, उससे कुछ कर रहे हो. अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बिगिन विथ. देखो इसमें एक मेरी ऑब्जेक्शन ये होगी कि किसी को आप 6,000 रुपए सैलरी पर मत रखना, क्योंकि ये पाकिस्तानी लॉस के अगेंस्ट है. आपकी मिनिमम वेज जो है वो डेफिनेटली जो है ना, आई थिंक 16-17 हज़ार रुपये, उससे कम आप लोगों को रख नहीं सकते. ठीक है, तो मिनिमम वेज आपने ज़रूर पूरी करनी हो चाहिए, और ह्यूमनली भी है. फिर बात ये आ जाती है कि देखो वॉट इज़ योर प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट है, क्या आप ऐप के थ्रू पैसे कमा रहे हो, क्या आप अपनी डिलीवरी के थ्रू पैसे कमा रहे हो, या आप अपने प्रोडक्ट के लिए पैसे कमाओगे. इनिशियली ना एक सर्टन स्केल तक जाने के लिए एक किसी चीज के ऊपर फोकस करो, उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस करो. अगर मैं, मुझे अंदाजा है आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि माय फादर इज बेड रिडन, माय ग्रैंडमदर इज बेड रिडन, दे बोथ लिव विद अस. तो हमें उनके चैलेंजेस का, कपड़ों का रोजाना, यू नो, गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, इन सारी चीजों का अंदाजा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और डिसेबिलिटी लोगों के लिए सिर्फ ये प्रॉब्लम्स नहीं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. पैम्पर्स चाहिए होते हैं, चीजें चाहिए होती हैं, अच्छी मशीनरी चाहिए होती है, जो लॉन्ग लिस्ट अदर देन दवाइयां. हर डिसेबल इंसान के साथ बहुत सारी लिस्ट ऑफ इश्यूज हैं. बेडशीट्स चाहिए होती हैं, उनकी केयर के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं. आई एम श्योर और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, उनके मसाज करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, स्टफ लाइक दैट, राइट? सो यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस, एब्सोल्युटली अमेजिंग स्पेस. ठीक है, एंड अगर आप उसमें अपने प्रोडक्ट लाइन को इतनी ज्यादा मैच्योर कर लो कि अ डिसीजन मेकर, जैसे मैं अपने घर में मैं डिसीजन मेकर हूँ, क्योंकि माई फादर कैन नॉट बाय, ही कैन नॉट इवन टॉक, राइट? सो आई हैव टू गेट एवरीथिंग फॉर हिम. इट विल मेक माई लाइफ सो ईजी. ऑल्दो 1500 रुपए में, 1200 रुपए में आपको पेशेंट के कपड़े मिलते हैं, ठीक है, जो आप यू नो पिंडी से मिलते हैं जो, लेकिन वो भी ये कि हाँ वो देर लूज, यू नो देर लूज शर्ट्स जिसमें आपने बीच में कर लिया, लेकिन व्हाट इफ आई गेट अ शर्ट जो मैं आराम से यहाँ से जिप बंद कर लूँ, यहाँ से जिप बंद कर लूँ, मैं बस एक साथ उठाऊँ पीछे से कर लूँ. आई थिंक दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, राइट? सो और गर्मियों के अलग होंगे, आजकल के मौसम के अलग होंगे, सर्दियों के अलग होंगे, राइट? सो इस प्रोडक्ट के अंदर इतना ज्यादा स्कोप है अफशा, कि व्हाई डू यू इवन वांट टू केयर अबाउट डिलीवरी, व्हाई डू यू इवन केयर अबाउट एन ऐप राइट नाउ, जब आप वही काम एक गूगल फॉर्म के ऊपर सारी चीजें ले सकते हो, लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते हो अपनी रिसर्च के लिए. एंड यू शुड फोकस ऑन योर प्रोडक्ट. Your delivery can be cash on delivery by Leopard or TCS. वो इंटर सिटी में भी 50 रुपए लेंगे, वो आउट ऑफ सिटी में 100 रुपए लेंगे, जो भी लेंगे वो आपके लिए पैसे भी कलेक्ट करेंगे, आपके लिए लेकर भी आएंगे. एंड इफ यू इनेबल योर सेल्फ इज एज द ग्रेट सर्विस सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर डिसेबल पीपल, दिस इज, आई मस्ट से, दिस इज लाइक $100 million आइडिया. पाकिस्तान, हम कहते हैं वी आर अ यंग कंट्री, बट वी आर ऑल्सो वेरी एजिंग कंट्री. उसका रीजन ये है कि जितने भी वो दौर था जो उन्होंने 6-6, 7-7 बच्चे पैदा किए थे, वो सबके सब अब बूढ़े हो रहे हैं, राइट? और हमारा जो ग्राफ है ना, पॉपुलेशन का ग्राफ, वो ये नहीं है कि यूं ही चलता जाएगा. अब हमारा पॉपुलेशन ग्राफ थोड़ा सा स्टेडी होगा. उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे से एक जनरेशन पहले ने 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करते थे, अब हमारी जनरेशन 2-2 बच्चे पैदा करेगी, तो थोड़ा सा हमारा स्टेडी ग्राफ होगा. ठीक है, अच्छा. And thinking about that generation जो इन्होंने वो सारा partition के बाद और सारी चीजें जो 1940s, 1950s में पैदा हुए, they all are on beds right now या declining stage के अंदर आ गए. So you really, I think you really have something good to offer, but don't waste your energy and also building an app. I don't know वो app क्या क्या काम करेगी, क्योंकि वो तो एक गूगल शीट मुफ्त में आप क्लिक कर सकती है, आप उसको सोशल मीडिया पर मार्केट कर सकते हो, लोगों से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. यू कैन सी, यू कैन मार्केट ऑन फेसबुक, यू कैन टेल कि यार किन किन के डिसेबल माँ बाप होंगे, या किन के माँ बाप जो है 70 साल से 75 साल से ऊपर हो चुके होंगे. इट इज वेरी इजी टारगेटिंग. देन यू कैन वर्क थ्रू मेडिकल हेल्थ केयर, जितनी भी नर्सिंग एजेंसीज हैं, नर्स
उनको कमीशन के ऊपर आप लेकर आ सकते हैं. दिस इज हाउ द मेडिकल हेल्थ केयर वर्क्स, राइट. आप हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर सकते हो. यू नो, मे बी आई कैन कनेक्ट यू विद RMI एंड नॉर्थ वेस्ट इन पेशावर. देयर इज सच अ बिग स्कोप. So don't dilute yourself by, you know, goddamn hiring a 6,000 rupees. Beshak aap usko 200 rupay commission bhi do. Don't do these things. Theek hai? Keep very lean. You don't have to do anything with, kyunki tumhare paas supplementary startups honge which will take care of these things. So focus. I think you're in a great space and I wish you the very best. Theek hai? ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुर्तजा. आई थिंक हम लोग इधर इसको सेशन को खत्म करेंगे, बट आई एम होपफुल कि हम आगे वी कैन हैव मोर सेशंस विद यू. आई एम प्रीटी श्योर ऑल द स्टार्टअप फाउंडर्स वुड लव टू हैव यू अराउंड NIC पेशावर. सो विल डेफिनेटली कॉल यू ओवर और देखते हैं कि और किस किस जगह पर हम करते हैं. इसके अलावा आई वुड वॉन्ट टू रिक्वेस्ट के मोहिउद्दीन जो है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगी, बहुत हेल्प चाहिए, जिसके अंदर वो आपको आप उसको गाइड कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव हैड अ टीम जो कि पूरा इसको डेवलप करती रही है और आपके कुछ प्लान्स भी थे जो कि ऑब्वियसली सबके आगे मैं नहीं बताता. बट ये कि आई वुड वांट कि आप मोहिउद्दीन को इफ यू कुड यू नो इसकी हैंड होल्डिंग कर सके थोड़ी और सिखा सके क्या चीज़ कैसे हो सकती है. अगर ऐसा हो जाएगा तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है. इसके अलावा ये कि इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मोहिउद्दीन इसके ये मोहिउद्दीन की के बाइक तो ये बना चुका है, इलेक्ट्रिक बाइक दो तीन वेरिएशन से बना चुका है, मैंने खुद पर्सनली चलाया भी है. बट इसने एक रोबोटिक आर्म भी बनाया हुआ है खुद, और ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, तो इंजीनियर नहीं है. हाँ, तो बाय प्रोफेशन इज अ डॉक्टर. और तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. तो आई वुड वॉन्ट कि आप उसको करें और देखते हैं कि और भी मैं देखता हूँ स्टार्टअप्स में इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते. आई वुड कीप ऑन बॉदरिंग यू एंड आई एम श्योर कि यू विल हेल्प देम आउट. Everybody has a great brain and, you know, put it at work. Thank you. Take care. Love is love.